होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। ऐसे में आप भी जमकर प्रचार कर रही है। इस कड़ी में कुरुक्षेत्र के पिहोवा अनाज मंडी में आपकी बदलाव रैली हो रही है। वहीं इसके लिए पार्टी पूरे राज्य में 12 अगस्त तक 45 रैलियां करेगी, जिसमें जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सीएम भगवंत मान शामिल होंगे। दिल्ली का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। ऐसे में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा और आप पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मानसून की बारिश के बीच ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब किसी न किसी हादसे में लोगों की जान नहीं गई। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव के अनुसार भारी बारिश, जलभराव, करंट, इमारत गिरने और नालों में डूबने से लोग मर रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन मौतों पर राजनीति कर रही है, जो चिंताजनक है। चिराग पासवान ने SC ST आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा देने के फैसले पर असहमति जताई है। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही है। चिराग ने पूर्व में कही बातों को दोहराया कि आज भी देश में जाति के आधार पर भेदभाव और छुआछूत है, यहां तक कि बड़े पदों पर रहे लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है। भाजपा की ओर से आज दिल्ली में झुग्गी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने डिफेंस कॉलोनी में बच्चे के सीवर में गिरने की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से ऐसी घटना हुई है। दिल्ली में समय पर नालों की सफाई नहीं की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। देश के कई उद्योगपतियों ने अपने दम पर विशाल साम्राज्य स्थापित किया है। युवाओं को इन उद्योगपतियों से सीख लेनी चाहिए। इन्फोसिस के साथ इसी तरह का उदाहरण है और हमारे युवा ऐसा करने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में जननायक जनता पार्टी ने 20 प्रत्याशियों के टिकट कंफर्म कर दी है। पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तय हो गया है। पार्टी प्रमुख अजय चौटाला ने इसकी तस्वीर साफ कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। इस दौरान पूर्व PM के साथ मेट्रो के आला अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले JDS प्रमुख ने शनिवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। पूर्व प्रधानमंत्री ने संग्रहालय की सराहना की। देवेगौड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा करना एक अभिभूत करने वाला और विनम्र अनुभव था। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक साल 1990 बैच के IPS अधिकारी योगेश बहादुर खुरानिया ओडिशा के अगले पुलिस DG नियुक्त किए जा सकते हैं। मौजूदा समय में साल 1990 बैच के IPS अरुण कुमार षडंगी अस्थायी DG के तौर पर नियुक्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि खुरानिया साल 2021 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। बिहार में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। विधेयक को लेकर बिहार में भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। पक्ष और विपक्ष के नेताओं की अपनी अपनी राय है। JDU नेता नीरज कुमार का कहना है कि इस बिल की ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इस संदर्भ में बिहार एक मॉडल बना है। वहीं RJD नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि केंद्र सरकार की निगाह कहीं और निशाना कहीं और है। आगामी चुनाव को लेकर हरियाणा का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में कांग्रेस के नेताओं में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 4 लोगों के मत अलग अलग हो सकते हैं, कोई मतभेद नहीं है।